ये कुछ एरर आने पर फर्मवेयर को अपडेट करना चाहिए, प्रिंटर के हैंग होने पर भी फर्मवेयर को अपडेट करना चाहिए, अगर प्रिंटर बूट नहीं हो रहा है, रेडी मोड तक नहीं पहुंच रहा है तो भी फर्मवेयर को अपडेट करना चाहिए, नेटवर्क प्रिंट में प्रॉब्लम आ रही है तो भी हमें फर्मवेयर अपडेट करना चाहिए। सबसे पहले हमें गूगल पर जाना है, गूगल पर हमें टाइप करना है HP सपोर्ट। HP सपोर्ट क्लिक करने के बाद ये ऑफिशियल HP सबसे ऊपर आएगा। ऑफिशियल HP सपोर्ट इस पर क्लिक करने के बाद हमें सबसे पहले यहाँ पर क्लिक करना है प्रिंटर पर। यहाँ पर हम सीरियल नंबर भी डाल सकते हैं या फिर मॉडल नंबर से सर्च कर सकते हैं। मैं यहाँ मॉडल नंबर से सर्च कर रहा हूँ लेकिन आप सीरियल नंबर से ही सर्च करना। ये हो गया, यहाँ पे सपोर्ट सॉफ्टवेयर सपोर्ट पे जाना है, यहाँ पे फर्मवेयर पे क्लिक करना है, डाउनलोड्स पे क्लिक करना है। डाउनलोडिंग की प्रोसेस चल रही है, तब तक मैं पॉज करके कंप्लीट होने के बाद स्टार्ट करता हूँ। हाँ तो ये डाउनलोडिंग कंप्लीट हो गई है। मैंने ये डाउनलोड्स में जाना है, कंप्यूटर पे जाके डाउनलोड में मैंने HP फोल्डर के अंदर अपनी फाइल को कॉपी पेस्ट किया है। इसको यहाँ पे हमें एक्सट्रैक्ट हियर कर देना है, जिप फाइल बनती है इसको एक्सट्रैक्ट करना होता है। ये एक्सट्रैक्ट होने के बाद इसमें ये दो फाइल जो होती हैं, सिर्फ इन दो फाइलों को कॉपी करना है हमें, ये जिप फाइल को कॉपी नहीं करना है। ये कॉपी करके पेन ड्राइव में पेस्ट करने से पहले हमें पेन ड्राइव को फॉर्मेट करना है FAT32 फॉर्मेट पर। FAT32 पर अगर नहीं करेंगे तो पेन ड्राइव डिटेक्ट नहीं होगी। ये फॉर्मेट कंप्लीट होने के बाद हम उन दोनों फाइलों को इस पेन ड्राइव में पेस्ट कर देंगे। ये कंप्लीट हो गई, दोनों फाइलें पेन ड्राइव पे आ गई हैं। पेन ड्राइव को कंप्यूटर से बाहर निकालेंगे, सेफली रिमूव करेंगे यहाँ से, और फिर पेन ड्राइव को कंप्यूटर से निकाल कर अब चलते हैं हम प्रिंटर पर। प्री बूट मेन्यू से फर्मवेयर अपडेट करने के लिए सबसे पहले तो पेन ड्राइव लगा देना है, उसके बाद प्रिंटर को स्टार्ट करना है। पेन ड्राइव देखो लगी हुई है। स्टार्ट होने के बाद हमें HP लोगो पर टैप करना है, या तो आप पहले से ही टैप करते रहें या फिर जैसे ही HP लोगो आए तुरंत HP लोगो पर टैप करेंगे, ये ऑप्शन आते हैं कंटिन्यू साइन इन एडमिनिस्ट्रेटर। हमें एडमिनिस्ट्रेटर ऑप्शन पे जाना है, एडमिनिस्ट्रेटर पे ओके करने के बाद डाउनलोड्स पे जाना है। अगर आप फॉर्मेट डिस्क करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। उसके बाद USB थंब ड्राइव पे जाना है, ओके करना है। पेन ड्राइव में जहाँ पे अपन को पहले से डाउनलोड करके फर्मवेयर को रखना है, डाउनलोड और उसको सिलेक्ट करके स्टार्ट कर देना है। ये प्रोसेस चलेगी, ये 100% होने के बाद प्रिंटर रीस्टार्ट होगा। ये 100% हो गया है, उसके बाद हमें बैक करना है, और बैक करना है, और बैक करना है, और बैक करना है, उसके बाद ये कंटिन्यू पे क्लिक कर देना। ये प्रोसेस रीस्टार्ट होगा, 10 मिनट कभी 15 मिनट। इस प्रोसेस को कंप्लीट होने के बाद ही
प्रिंटर को बंद करना है, डायरेक्ट बंद मत कर देना, ये पूरी प्रोसेस हो जाने देना, टाइम ले लेता है 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट। ओके, धन्यवाद।